हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति आज के सेशन में हम लोग करेंगे रीजनिंग सेक्शन की एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन जो कि हमारे मेन एग्जामिनेशन में आ सकता है विच इज ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज न्यूमेरिकल सीरीज से आप यहाँ पे ये मत डिड्यूस कर लेना कि ये हमारे कॉन्ट का पार्ट है ऐसा नहीं है ये हमारे रीजनिंग सेक्शन में आता है और एक नए टाइप का क्वेश्चन है न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है इज दैट ओके तो आज हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्टेंट आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी और अगर किसी ने अभी तक वेबसाइट नहीं विजिट करी है दैट इज़ स्टडी नीति हमारी खुद की वेबसाइट है तो वेबसाइट अगर नहीं विजिट करी है तो वेबसाइट ज़रूर विजिट करना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगी वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो मॉक टेस्ट जो भी आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और वहां पे एक आपको टैब मिलेगा मिनी मॉक टेस्ट का उसको आप जरूर देखना बिकॉज एक नया इनिशिएटिव लिया है हमने और हमारी टीम ने जो कि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है तो ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं आप इसको पहले खुद से बनाने की कोशिश करना और देखना कि आपको ये कितना समझ में आता है क्योंकि ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी इजी क्वेश्चन तो आपको समझने से पता चलेगा समझोगे तो हो जाएगा ज्यादा टफ नहीं है तो ये आपके सामने हिंदी में भी है और आप इसको बनाइए क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देती हूँ इन क्वेश्चन को आप बनाओगे वो जो पहले कंडीशन दिखाई है उनको देखते हुए ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है उसने और ये क्वेश्चन जो मैंने गाइडली से लिया है देर आर टू रोज गिवेन फाइंड आउट द रिजर्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो वी नीड टू फॉलो द कंडीशन यहाँ पे हमें ये दिखा देती हूँ ये जैसे ये दे रखी है टू रोज ये टू रोज है हमें इनके रिजल्टेंट निकालने हैं रिजल्टेंट कैसे आ, जो इनके रिजल्टेंट निकलेंगे वो इस अकॉर्डिंग निकलेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग तो कंडीशन वन में बोला है अगर कोई एक इवन नंबर है और वो उसको कौन फॉलो करता है मतलब एक इवन नंबर के बाद क्या है ऑड प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर कौन से हो गए वन थ्री फाइव सेवन एलेवन ये हो गए ऑड प्राइम नंबर और ऑड नॉन प्राइम नंबर कौन से हुए जैसे नाइन हो गया फिफ्टीन हो गया ये किसी ना किसी टेबल से जाते हैं तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं, ये क्या होते हैं ऑड नॉन प्राइम और ये क्या होते हैं ऑड प्राइम नंबर अगर एक इवन नंबर के बाद एक ऑड प्राइम नंबर आ रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा हमें उन दोनों नंबर को क्या करना है एड करना है कंडीशन टू में बोला है अगर एक ऑड प्राइम नंबर है सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर बताया वो फॉलो अप करता है परफेक्ट स्क्वायर को मतलब मान लो फाइव आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाए परफेक्ट स्क्वायर पे टू uh, का स्क्वायर ले परफेक्ट स्क्वायर को फॉलो करेगा तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा वन सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ इफ एन ऑर्ड प्राइम नंबर इज फॉलोड बाई अनदर नदर ऑर्ड नंबर विच इज नॉन प्राइम मतलब थ्री किसको फॉलो करे नाइन को या फिर थ्री किसको फॉलो करे फिफ्टीन को इस के numbers, मतलब जो किसी ना किसी टेबल से डिवाइड हो जाते हैं प्रोडक्ट the मतलब थ्री और नाइन को मल्टीप्लाई करके इनका नंबर मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 21 ले लेते हैं इट इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर दो को फॉलो कर दे दो इवन नंबर है एग्जाम्पल ले रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 42. समझ में आ रही है इफ एन ऑड नॉन प्राइम नंबर जैसे इसको ही ले लेते ले ले हैं तो उसने क्या बोला है? Resultant क्या होगा इसका एडिशन ऑफ बोथ द नंबर मतलब इन दोनों को एड करेंगे हमारा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा एक मिनट कितना आ जाएगा ट्वेंटी नाइन इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वेर एग्जाम्पल ले लेते हैं दो किसको फॉलो करें तीन का स्क्वायर कितना होता है नाइन ठीक है देन द रिजल्टेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा एटीन आ जाएगा गिव प्रेफरेंस टू कंडीशन फाइव वेन बोथ कंडीशन फोर एंड फाइव फॉलो उसने बोला है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली कंडीशन भी फॉलो अप हो रही है और ये वाली कंडीशन भी फॉलो अप हो रही है मतलब दोनों कंडीशन से आपका आंसर जो है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है ठीक है तो आप फिर इन दोनों कंडीशन में किसको चूज करोगे फिफ्थ नंबर को आपको अगर फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो आप फिफ्थ को चूज करोगे एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ यहाँ पे दोबारा से जिसमें जो है दो केसेस दोनों केसेस हमारे सेटिस्फाई हों फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्वेंटी वन ले लेते हैं और इवन नंबर एट ले लेते ले हैं ले यहाँ पे भी ट्वेंटी वन ले लेते हैं और एट ले लेते हैं ठीक है अब नॉन प्राइम नंबर है इवन नंबर नंबर से फॉलो अप हो रहा है नंबर है नॉन प्राइम क्यूब नंबर से फॉलो अप हो रहा है तो अब इसका तो प्रोडक्ट था इसका क्या था कि हमें इसको ऐड करना है तो अब हम लोग कौन सी कंडीशन उठाएंगे अगर फोर्थ भी सेटिस्फाई हो रही है फिफ्थ भी सेटिस्फाई हो रही है तो हम इस कंडीशन को उठाएंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा ट्वेंटी नाइन समझ में आ गया तो इसने यही बोलने की यहाँ पे कोशिश करी है अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे और उससे पहले इसको सबको मैं इरेज कर दूं बिकॉज हमें सारी के सारी ये जो कंडीशंस हैं इनकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे देख लेते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ रो सेकेंड इज थ्री सिक्सटी टू मोर देन द रिजल्टेंट ऑफ रो वन ये जो रिजल्टेंट निकलेगा ये रो वन का रिजल्टेंट है ये रो वन है ये रो टू का रिजल्टेंट है तो ये जो रो वन का रिजल्टेंट है ना रो टू के रिजल्टेंट से कितना ज्यादा है थ्री सिक्सटी टू इसमें अगर थ्री सिक्सटी टू एड कर देंगे नहीं रो टू का ज्यादा है ना फिर ये गलत लिख दिया मैंने एक मिनट रुको आई थॉट रो वन का ज्यादा है तो रो टू का ज्यादा है मतलब दोबारा से लिख लेते हैं इसको यहाँ पे बोला है कि रो टू का थ्री सिक्सटी टू ज्यादा है रो वन से तो रो टू का मतलब रो वन प्लस थ्री सिक्सटी टू ठीक है अब यहां पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि हमें यहां से डिजिट्स मिल सकती हैं यहां से नहीं मिल सकती पूरी की पूरी रिजल्टेंट समझ में आई ये तीन डिजिट्स अवेलेबल है दो के साथ एक्स अवेलेबल है एक्स की जब हमें वैल्यू ही नहीं पता तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए जब, जब आपको एक्स के टर्म्स में कुछ दिया हो तो आप वही रो को पहले चूज करो जिसमें तीनों के तीनों डिजिट आपके पास अवेलेबल हो अब यहां पे हमारे पास लिखा गया है सेवनटीन ट्वेंटी वन और सिक्सटी फोर ये केक कैसा नंबर है ऑड नंबर है प्राइम नंबर है कैसा नंबर है ऑड प्राइम नंबर है किसी से भी डिवाइड नहीं होता ये कैसा नंबर है ऑर्ड नॉन प्राइम नंबर है 21 कैसा नंबर है एक नॉन प्राइम नंबर है तो हमें वो कंडीशन लेनी है जिसमें एक ऑर्ड नंबर ऑड प्राइम नंबर एक ऑर्ड नॉन प्राइम नंबर को फॉलो करे देखते हैं इज फॉलोड बाय मतलब इसके बाद में आएगा ऑड प्राइम ढूंढो सबसे पहले ये ऑर्ड प्राइम मिल गया ये ऑर्ड प्राइम मिल गया ये ऑर्ड प्राइम ये तो नॉन प्राइम है ऑड प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है ट्वेंटी वन नहीं है तो इसको छोड़ो ऑड प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय अनादर ऑड नॉन प्राइम नंबर हम यही ढूंढ रहे थे ना ऑड प्राइम नॉन प्राइम को फॉलो करे तो हमारी कंडीशन थर्ड सेटिस्फाई होगी रिजल्टेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। प्रोडक्ट अगर होगा बोथ नंबर्स का तो हमें सेवनटीन इंटू ट्वेंटी वन यहाँ पे करना पड़ेगा तो सेवनटीन इंटू ट्वेंटी वन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये थ्री फोर्टी और सेवनटीन कितना आ जाएगा सेवन फाइव थ्री थ्री फिफ्टी सेवन आपके पास यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा आपको दो दो डिजिट्स लेके करना है फिर क्या आया सिक्सटी फोर आया पहली दो डिजिट्स का रिजल्टेंट लोगे फिर जो आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट इनका आएगा उसको हमें थर्ड नंबर से लेना है ठीक है इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है वो चलता है अब थ्री फिफ्टी सेवन एक कैसा नंबर है ऑड प्राइम नंबर है डिवाइड हो जा रहा है ना सेवेंटीन से और ट्वेंटी वन से और एक ऑड नंबर है तो हमें ऐसा देखना है कि एक ऑड प्राइम नॉन प्राइम नंबर ऑड नॉन प्राइम नंबर है सॉरी ऑड नॉन प्राइम नंबर किसको फॉलो करे या तो एक इवन नंबर को करे या स्क्वायर को करे या फिर क्यूब को करे क्योंकि सिक्सटी फोर जो है वो एट का स्क्वायर भी है और फोर का क्यूब भी है और एक इवन नंबर भी है तो हमें एक ऐसा केस देखना है जिसमें हमारे पास एक ऑड नॉन प्राइम नंबर किसको फॉलो करें एक इवन नंबर को या फिर एक नंबर के स्क्वायर को या फिर एक नंबर के क्यूब को ठीक है देख लेते हैं ऑड नॉन प्राइम नंबर फॉलोड बाय एन इवन नंबर हो सकता है ऑड नॉन प्राइम नंबर फॉलोड बाय क्यूब नंबर ये भी हो सकता है तो अगर कंडीशन फोर्थ और फिफ्थ हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो उसने क्या बोला था हमें हमेशा कंडीशन फिफ्थ को प्रेफरेंस देनी है कंडीशन फिफ्थ को प्रेफरेंस देनी है मतलब हमें ये लेना पड़ेगा कि अगर एक नॉन प्राइम नंबर नंबर एक क्यूब को फॉलो करे तो हमें क्या लेना है उनका एडिशन लेना है मतलब मिनट मतलब हमें 357 और 64 का एडिशन लेना पड़ेगा 357 और 64 कितना हो जाएगा हमारे पास सेवन और फोर इलेवन और वन केवेंटी वन हमारे पास रो टू का रिजल्टेंट आ गया अब ये फोर ट्वेंटी वन जो है ये रो वन के रिजल्टेंट से 362 ज्यादा है इसको इधर ले जाओ रो वन का रिजल्टेंट आपके पास कितना आ जाएगा थ्री फोर ट्वेंटी थ्री सिक्सटी टू कितना आ जाएगा नाइन और फाइव फिफ्टी नाइन आ जाएगा आपके पास तो यहाँ पे हमारे पास रो वन का रिजल्टेंट कितना आ गया फिफ्टी नाइन आ गया क्या आपको इतना समझ में आ गया अब अगर हमें रो वन का रिजल्टेंट पता है तो क्या हम यहाँ पे क्या हम यहाँ पे इसका एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं डेफिनेटली निकाल सकते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेयर कर लेना बिकॉज जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने अलग अलग स्लाइड पे रखे हैं ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक तीनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड पे आ गए तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ठीक है तो यहाँ पे देखो फिफ्टी इसका रिजल्टेंट आ गया ठीक है हमें यहाँ पे थर्टीन गिवन है सिक्सटी गिवन है और एक्स गिवन है इनका रिजल्टेंट आना चाहिए फिफ्टी ये कैसा नंबर है ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है ये कैसा नंबर है इवन नंबर भी है स्क्वायर भी है और किसी का क्यूब भी है फोर का क्यूब है एट का स्क्वायर है इवन नंबर है हमें एक ऐसी कंडीशन दे देखनी है जिसमें एक ऑड प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर या फिर अ नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर या फिर अ क्यूब ऑफ अ नंबर सबसे पहले ऑड प्राइम को ढूंढो Odd नंबर प्राइम नंबर odd नंबर प्राइम नंबर मिल गया odd प्राइम नंबर इज फॉलोड by अ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है odd प्राइम नंबर इज फॉलोड by another non नॉन प्राइम नहीं है वो तो इवन नंबर है दैट मीन हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन नंबर टू कंडीशन नंबर टू अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उसमें हमें क्या करना है रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स यहाँ पे थर्टीन और सिक्सटी फोर का डिफरेंस आपके पास कितना आ जाता है फोर्टी वन एक्स है और फिफ्टी नाइन सॉरी फिफ्टी वन आएगा ना अगर आप मोटी मोटी बात देखो आपको फिफ्टी नाइन यहां पे चाहिए x की वैल्यू आप देख सकते हो कि अगर हम लोग ऐड करेंगे तो एट आनी चाहिए राइट right? मोटी मोटी सी बात कह रही हूँ अगर फिफ्टी वन में अगर आप एट ऐड कर दोगे तो आपके पास फिफ्टी नाइन आ जाएगा और ऑप्शन में भी आपके पास एट अवेलेबल है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको सॉल्व करने की यहां पे अगर आप 51 में एट ऐड कर दोगे तो आपके पास 59 आ जाएगा लेकिन हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर एक ऑड एक मिनट एट लिया ना हमने 51 वन किसी से डिवाइड होता 17 से तो ये क्या हो गया नॉन प्राइम एक ऑड नॉन प्राइम नंबर किसको फॉलो करे इवन नंबर या फिर क्यूब ऑफ अ नंबर दो का क्यूब है ना तो यहां पे कंडीशन देखो ऑर्ड नॉन प्राइम ये मिल गया ऑर्ड नॉन प्राइम ये मिल गया इस भी हो रही है अगर कंडीशन फोर भीफाई हो रही है कंडीशन फाइव भी सेटिसफाई हो रही है तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है कंडीशन फाइव को तो यहाँ पे कंडीशन फाइव में क्या बोलता है कि रिजल्टेंट क्या होगा एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स अगर हम लोग फिफ्टी वन में एट को एड कर देंगे तो फिफ्टी नाइन आ जाएगा ये सिर्फ हमने ऑप्शन में से चूज किया है आंसर आ गया अगर ना आता तो हम लोग दूसरे ऑप्शन को चूज करते तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो मतलब रो वन का रिजल्टेंट निकालना है रो टू का रिजल्टेंट निकालना है और उसका क्या निकाल देना है डिफरेंस निकाल देना है right? राइट रो वन और रो टू का डिफरेंस निकालना है सबसे पहले रो वन को लो इसको मैं लिख लेती हूं ये कैसा नंबर है इवन नंबर है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है ये कैसा नंबर है? है, नॉन प्राइम और एक किसी नंबर का स्क्वायर है मतलब सेवन का स्क्वायर है इसके दो नेचर हैं। तो हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जिसमें इवन नंबर या तो एक स्क्वायर से फॉलो अप हो या फिर एक नॉन ऑर्ड नॉन प्राइम नंबर से फॉलो अप हो हमारे पास इधर इवन नंबर लिखा है और इधर इवन इवन नंबर 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 लिखा है है इज फॉलोड बाय एन प्राइम प्राइम क्या ये ऑड नॉन प्राइम नंबर है ये कंडीशन नहीं फॉलो करेगी इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर सेवन का स्क्वायर से फॉलो अप कर रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स मतलब प्रोडक्ट चाहिए आपको थर्टी टू इंटू फोर्टी नाइन थर्टी टू इंटू फिफ्टी कितना हो जाएगा सोलह और थर्टी टू इंटू वन कितना हो जाएगा थर्टी टू तो आपका आंसर क्या जाएगा वन फाइव सिक्स एट कितना आया इसको एज इट इज नीचे लिख दो ये एक कैसा नंबर है इवन नंबर है स्क्वायर नहीं है किसी का राइट इवन नंबर है और ये एक कैसा नंबर है ऑड प्राइम नंबर है किसी से डिवाइड नहीं होता तो हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें इवन नंबर एक ऑड प्राइम नंबर से फॉलो अप हो इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर मिल गया तो रिजल्टेंट क्या होगा एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स आप इसको ऐड कर दो वन फाइव सिक्स एट और सेवेंटी थ्री को कितना आ जाएगा वन सिक्स फोर वन तो रो वन का रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ गया वन सिक्स फोर वन अब लेंगे रो टू का यहाँ पे ले लेते हैं फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स ये कैसा नंबर है सॉरी ऑड प्राइम नंबर है सॉरी नॉन प्राइम नंबर है नंबर है और ये कैसा नंबर है ऑड नॉन प्राइम भी है और थ्री का क्यूब भी है मतलब किसी नंबर का क्यूब है तो हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें एक ऑड नॉन प्राइम नंबर इज फॉलोड ऑड नॉन प्राइम नंबर या फिर किसी नंबर का क्यूब ये क्यूब बनाया मैंने थर्टी थ्री नहीं लिखा यहाँ पे देख लो ऑड नॉन प्राइम इसमें मिला है, इसमें, इसमें है। तो नॉन तो इसमें रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स फिफ्टीन और ट्वेंटी सेवन को एड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा टू फोर्टी टू और ये कितना आ गया थर्टी सिक्स ओके ये कैसा नंबर है इवन नंबर है ये कैसा नंबर है इवन नंबर भी है और स्क्वायर भी है किसका सिक्स का तो इवन नंबर इज फॉलोड अप बाय या तो इवन नंबर या फिर स्क्वायर ऑफ अ नंबर यहां पे देखो इवन नंबर इज फॉलोड अप बाय ऑड नंबर ये नहीं हो रहा इसमें देख लेते हैं इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा रिजल्टेंट हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स तो अगर प्रोडक्ट है मतलब फोर्टी टू इंटू थर्टी सिक्स थर्टी वन थ्री ट्वेल्व और वन फाइव उसने पूछा क्या था इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस निकाल लो कितना आ जाएगा नंबर नहीं है वन ट्वेंटी नाइन ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है इसने इफ एक्स इज द वन फिफ्थ वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो जो रो वन का रिजल्टेंट आएगा x किसके बराबर है रो वन के रिजल्टेंट का वन फिफ्थ डिवाइड बाई फाइव देन वट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो हमें क्या निकालना है रो टू का रिजल्टेंट निकालना है ठीक है अब हमारे पास यहाँ पे तीन डिजिट्स हैं इधर से ही शुरू करेंगे ट्वेंटी एट नाइन और फिफ्टी थ्री ये एक कैसा नंबर है इवन नंबर है ये कैसा नंबर है ऑड नंबर भी है विच इज नॉन प्राइम नॉन प्राइम मतलब किसी से भी डिवाइड हो जाए और स्क्वायर भी है थ्री का स्क्वायर है ना तो हमें एक ऐसा ही कंडीशन चाहिए जिसमें एक इवन नंबर इज अप बाय या तो ऑड नॉन प्राइम नंबर हो या फिर स्क्वायर हो इवन नंबर यहां लिखा है इवन नंबर यहां लिखा है इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर ये गलत हो गया ये नहीं फॉलो कर रहा इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर ये फॉलो कर गया तो रिजल्टेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स मतलब आपको 28 एट इंटू करना पड़ेगा कितना हो जाएगा 272 18 और 7 252 252 और 53 थ्री एज इट इज लिख दो ये कैसा नंबर है इवन नंबर है ये कैसा नंबर है ऑड प्राइम नंबर है तो आपको ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें इवन नंबर नंबर इज फॉलोड अप बाय एन प्राइम देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में लिखा है इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड प्राइम नंबर ये सही हो गई रिजल्टेंट क्या होगा एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स इन दोनों को ऐड कर दो कितना जाएगा? 5, 0, 305 आ जाएगा फाइव जीरो थ्री तीन सौ पांच के आगे आपका रो वन का रिजल्टेंट आ गया एक्स की वैल्यू कितनी थी रो वन का रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय फाइव कितना आ जाएगा आपके पास सिक्सटी वन तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सिक्सटी वन अब रो टू का रिजल्टेंट निकालना है तो ट्वेंटी वन लिखोगे थर्टी सिक्स लिखोगे सिक्सटी वन लिखोगे ट्वेंटी वन एक कैसा नंबर है ऑड नॉन प्राइम है थर्टी सिक्स एक कैसा नंबर है इवन नंबर भी है और स्क्वायर भी है किसका सिक्स का स्क्वायर है तो आपको एक ऐसी कंडीशन देखनी है जिसमें ऑड नॉन प्राइम नंबर जो है वो एक इवन नंबर से फॉलो अप हो ऑड नॉन प्राइम ढूंढो यहाँ पे एक तो इसमें मिलेगा एक इसमें मिलेगा ऑड नॉन प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर हो सकता है और नॉन प्राइम नंबर इज फॉलोड बाई अंबर लेकिन ये तो स्कर है ना हमारी कंडीशन कौन सेफाइड कंडीशन नंबर फोर जिसमें ऑर्ड नॉन प्राइम नंबर जो है इवन नंबर को फॉलो अप कर रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर मतलब आपको ट्वेंटी वन इंटू थर्टी सिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे तो अगर आप लोग ट्वेंटी वन इंटू थर्टी सिक्स करोगे तो कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स टूर से थर्टी सिक्स वन जार थर्टी सिक्स कितना आ गया फाइव सेवन फिफ्टी सिक्स 61 को आप लिखोगे। ये कैसा नंबर है इवन नंबर नंबर है। है? ये कैसा इट इज फॉलोड परफेक्ट स्क्वायर गलत हो गया इट इज फॉलोड बाय एन ऑड प्राइम नंबर तो रिजल्टेंट क्या होगा एडिशन ऑफ बोथ द नंबर एडिशन कर दो सेवन फिफ्टी सिक्स और सिक्सटी वन का कितना आ जाएगा सेवन वन और एट एट हंड्रेड एंड सेवन आपसे पूछा क्या था रो टू का जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्ट्स थे आई होप आपको तीनों ही पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी तरीके के और भी पार्ट्स आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में फर्क क्या होगा नंबर्स चेंज होंगे और कुछ भी नहीं होगा जैसा क्वेश्चन में डिमांड करेगा आपको वैसे ही चलना है ये तीन पॉसिबल केसेस है जो मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं आई होप अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है इसी तरीके के और क्वेश्चंस आते रहेंगे और अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है भी जो आपको देखना है कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ तो आप मुझे जरूर नीचे कॉमेंट्स में बता देना मैं वैसा क्वेश्चन आपके लिए जरूर लेके आऊंगी तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो गुड लक एंड स्टे हैप्पी